नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आखिर वो घड़ी आ गई जब अयोध्या में रघुवाई विराजेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह के लिए करीब 7,000 प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण दिया गया है। नागर शैली में बने राम मंदिर के परिसर में दक्षिण की द्रविड़ शैली का भी प्रभाव दिखेगा, तो पंचायतन परंपरा का भी अक्स उभरेगा। मंदिर में पूर्व द्वार से 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद प्रवेश होगा, जबकि परिक्रमा और दर्शन के बाद निकास दक्षिण से होगा। मंदिर के चारों ओर आयतकार परकोटा बन रहा है, जो दक्षिण के मंदिरों की निर्माण शैली है। परकोटे के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, गणपति, शिव और देवी भगवती होंगे और बीच में रामलला विराजमान होंगे। तो आइए देखते हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में कैसी तैयारी चल रही है। हमारे खास कार्यक्रम शुभ घड़ी आई विराजेंगे रघुराई। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी रामलला को स्थापित कर पहली आरती उतारेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल के मेवा का पहला भोग शामिल होगा। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3,000 क्विंटल चावल आएगा। वहीं ससुराल जनकपुर से भी वस्त्र, फल और मेवा के साथ साथ नेपाल से 1100 थाली में सजे उपहार भी आएंगे। भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्ट धातु का 21 किलो का घंटा पहुंचेगा। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयां, 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन होंगे। रामलला के दरबार में लगेगा अष्ट धातु का 21 किलो का घंटा। यूपी के एटा जिले में बनाया गया है घंटा। घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। घंटे का वजन 2100 किलो है। गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। पंचगव्य और हवन सामग्री गाय के गोबर से तैयार हुई है। अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। अगरबत्ती की लागत 5,00,000 रुपए से ज्यादा की है। वडोदरा से 110 फीट लंबे रथ में अगरबत्ती आएगी। 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है अगरबत्ती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रखी जाएगी भगवान की चरण पादुकाएं। हैदराबाद के श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार की है चरण पादुकाएं। श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने पादुकाओं के साथ की थी अयोध्या के 41 दिनों की परिक्रमा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को लगाया जाएगा विशेष भोग। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार किया जा रहा है। राम की नगरी में 40 सूर्य स्तंभ तो 25 श्रीराम स्तंभ लगाए जाएंगे, जो राम नगरी की शोभा भी बढ़ाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक का केंद्र भी होंगे।
भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए अयोध्या में सूर्य स्तंभ का विशेष महत्व है। अयोध्या को पौराणिक चीजों से सजाने और सवारने का काम हो रहा है। भगवान राम की नगरी को उनकी गरिमा के अनुरूप सुसज्जित किया जा रहा है। और सीधे अयोध्या का रुख करेंगे, जहां हमारे संवाददाता अश्विन सोनकर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या कुछ तैयारी जो है चल रही है राम मंदिर को लेकर, राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? और जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे लोग भक्ति में होते जा रहे हैं। अयोध्या पूरी तरह सजाई गई है, राम पथ लोक पथ पूरी तरह से सजाया जा रहा है। भगवान राम के चरित्र के जीवन को लेकर उसके पूरी कला जो है उसके चित्रों पर लगाई जा रही है। और जो है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आएंगे, रोड शो करेंगे, उसको लेकर पूरी तरह से तैयार तेजी पे है। जी जी बिल्कुल। यदि विशेष भोग की बात करें, विशेष भोग में क्या कुछ भोग लगेगा और क्या कुछ और खास होने वाला है, क्योंकि उस दिन का दिन जो है बहुत भव्य होने वाला है। अश्विन जी, दोबारा क्वेश्चन दोहराइए। अश्विन, यदि बात करें उस दिन का जो दिन है बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर का जो राम प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्या कुछ और खास होने वाला है? यदि बात करें भोग को लेकर, क्या कुछ विशेष भोग जो है वो चढ़ाया जाएगा? चावल कई तरह के आए जा रहे हैं, लगातार हर तरफ से आ रहे हैं, अब मेवे आ रहे हैं, इसके भोग लगेगा भगवान को। वहीं पर जो है, अगर राम मंदिर की बात करें तो वो है सोने के सिंहासन पर भगवान राम विराजमान होंगे। जी बिल्कुल। क्या कुछ और खास तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से मेहमान पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए यूपी के जितने कैबिनेट मंत्री लगते हैं वो एकदम पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम ने अपना यहाँ पे डेरा डाल दिया है, वो यहाँ पे रुक निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। आज जो है शायद के शर्मा जी आए थे, जिन्होंने निरीक्षण किया था, पीडी सोचा आया था, जो कि रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। और जो है लगातार बिजली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार और अन्य अधिकारी निरीक्षण करते जा रहे हैं। और उसके बाद तैयारी की बात की, तैयारियां जो है एयरपोर्ट की पूरी कर ली गई है। 3 दिसंबर को जो है एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, वहीं पर 3 घंटे का संबोधन करेंगे। उसके बाद जो है एयरपोर्ट सीधा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे, जो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 15 किलोमीटर रोड शो होगा। और रोड शो को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है और फूलों की तरह पूरा सजाया जाएगा। उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे, जो है लोकपथ रामपथ होते हुए अयोध्या तक जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत ही अश्वनी धन्यवाद। अब सीधे लखनऊ का रुख करेंगे हमारे संवाददाता घनश्याम का। घनश्याम, आखिर वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, बहुत ही करीब है वो समय जिस दिन 22 जनवरी भव्य स्वागत होगा। क्या कुछ तैयारियां हैं उस दिन को लेकर घनश्याम? बिल्कुल सत्ता, ये कहा जाए अगर किसी भी साधु संत और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों से अगर बात करेंगे तो कहते हैं ना, कह रहे हैं कि 500 सालों का जो इंतजार था वो 500 सालों का इंतजार 2024 में खत्म होने जा रहा है। एक तरफ जो अयोध्या को लेकर के एक अलग पहचान बनी थी, यही 6 दिसंबर आता था, वहां पे बूट की आवाज सुनाई देती थी, वहां पे कर्फ्यू लगता था, कोई जो है उसे काला दिवस के रूप में मनाता था, कोई वहां पे गौरव दिवस के रूप में मनाता था। अब अयोध्या अपनी खुद की पहचान लेकर के वापस लौट रही है। अयोध्या अब सजाया जा रहा है, राम नगरी के नाम से जाना जाता था, राम नगरी की तरफ से अब दिखने भी लगा है। चारों तरफ से साज सज्जा पूरी तरीके से व्यवस्थित कर ली गई है। 70 एकड़ में जो राम लला का जो मंदिर बन रहा है उसमें 25-30% का निर्माण हो रहा है, बाकी जो तो बचे हुए 75% हैं, 70-75% होंगे वो ग्रीनरी होंगे, यानी एक हरित क्षेत्र होगा। सभी चीजों का वहां पे ध्यान दिया जा रहा है, सभी पौराणिक वस्तुओं का ध्यान दिया जा रहा है, सनातन संस्कृति का ध्यान दिया जा रहा है। एक एक सेकेंड का पूरी नॉमिनेट किया जा रहा है कि किस तरीके से उस दिन 22 जनवरी को कार्यक्रम होगा, किस तरीके से जो 12:15 पे शुभ मुहूर्त है, 80 सेकेंड, महज 80 सेकेंड का शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त के जरिए उसके पहले क्या क्या कार्यक्रम होंगे। 16 जनवरी से पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, वहां पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
जो पूरा अगर देखा जाए ओवरऑल तो 40 दिन तक चलेगा। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, पहली आरती खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे, वहां पे घंटों तक वो मौजूद रहेंगे और इस दरमियान लगभग 60-62 हजार से ज्यादा जो है वहां पे शामिल होने के लिए लोगों का निमंत्रण भेजा जा चुका है। पूरे देश भर दुनिया भर के लोग वहां पे उपस्थित होंगे, कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, जो समाज सेवी के क्षेत्र में, बड़े राजनेता, बड़े बड़े जो साधु संत हैं, जो रामलला से संबंधित लोग हैं, जिन्होंने कार्य सेवा किया था, यानी जिनके परिजनों ने इस आज के दिन के लिए जो दिन देखने के लिए 22 जनवरी को मिलेगा, उस दिन के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया था, जान दिया था, उनके परिजनों को कार्य सेवक पुरम में खासतौर पर इसका व्यवस्था की गई है। पूरे दिन लंगर लगा रहेगा वहां पे, पूरे दिन वहां पे कार्यक्रम होगा, भंडारा होगा, खुशियां मनाई जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिवाली से भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन ये इस दरमियान होगा। इसमें अगर देखा जाए तो पहले से ही तैयारियां की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही लगातार इसको लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी विभाग, चाहे वो वहां के रास्ते हो, चाहे वहां के नगर निगम को लेकर के वहां की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो उसके जो चंपत राय है, जो महासचिव है ट्रस्ट के, उनके द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक एक जो है बिंदुओं का काफी ख्याल रखा जा रहा है कि रामलला का जो ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा वो पूरे इतिहास बनेगा, पूरे हमेशा के लिए जो ये इतिहास होगा वो इतिहास कहीं ना कहीं कैमरे में कैद होगा, तस्वीरों में कैद होगा, किताबों में कैद होगा, और ये इतिहास ऐतिहासिक बना रहे, भव्यता इसकी बहुत बेहतर रहे, इसको लेकर के हर चीजों का बेहतर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। जो वाराणसी से 3 जो है पुजारी आकर के इसके प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, उनका भी ट्रेनिंग किया जा रहा है। रामलला का जो मुख्य पुजारी होगा कौन होगा, 3000 लोगों में से एक व्यक्ति को मोहित पांडे को चुना गया है, जो वहां पे पुजारी होंगे उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी है, किस तरीके से वो पूजा पाठ कराएंगे, किस तरीके से वहां पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। जब किसी के घर में, सनातन धर्म में अगर देखा जाए, किसी के घर में अगर किसी लल्ला का जन्म होता है, उसके बाद क्या क्या सनातन धर्म के अनुसार क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से संस्कृति में किस तरीके से मनाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वो सभी सभी तस्वीरें वो दिखने के लिए मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ये जो उस काल का नहीं, 500 वर्षों के पहले का नहीं, वो आज सब कुछ जीवंत हो रहा है, और उस जीवंत कड़ी को जो है जीवंत करने के लिए, उस जीवंत कड़ी को बनाने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। 500 जो कामगार होते हैं, लेबर होते हैं, काम को तेजी से करने के लिए आज से बढ़ा दिए गए हैं। पहले दो शिफ्ट में काम करेगा, लौटूंगी आपके पास, और अश्विनी आपके पास भी लौटूंगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम भक्तों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई है। 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो राम भक्तों का अयोध्या में आवागमन और बढ़ जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो श्री राम से जुड़े प्रतीकों का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। अयोध्या की सड़कों के किनारे उन झंडों की दुकानों की भरमार हो गई है, जिस पर श्री राम और उनके भक्त हनुमान की फोटो छपी हुई है, क्योंकि राम भक्त जब अपने आराध्य के घर आते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ ना कुछ निशानियां अपने साथ ले जाते हैं। अब अयोध्या आने का मतलब यही हुआ कि अगर एक दफे आए हैं तो चाहे घर पर ना बोलते हो, मगर अयोध्या घुसने के बाद आदमी का मुंह से जबान नहीं निकलता है जय श्री राम जय श्री राम। क्यों निकलता है? अयोध्या राजा रामचंद्र जी की नगरी है, और इसलिए जो है जय श्री राम का नाम चलता है। बिक्री तो बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, अब जैसे आते हैं वही दूर दूर से आते हैं, रोज अक्सर तो नहीं आ पाते हैं, और राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है तो उसके दर्शन वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो रोज रोज उसका दर्शन कर सके। भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए
लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण पत्र मिल चुका है और कई लोगों को अभी निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राण प्रतिष्ठा के समय मिलने की इच्छा जताई है और कहा है कि मंदिर मस्जिद का जो फैसला था वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गया और मंदिर बनकर के पूरी तरह तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और देश विदेश के लोग भी आ रहे हैं। हमारी भी इच्छा है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी कुछ बातें रखें। माहौल है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज मंदिर मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गया, मंदिर बन के पूरा तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं और अयोध्या में जितने भी लोग हैं, पूरे हमारे देश के जितने भी लोग हैं जिनकी श्रद्धा है भगवान की, जो है पूजा पाठ होने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। हमारी भी इच्छा है, छोटी सी एक इच्छा रही कि प्रधानमंत्री से हमें मुलाकात करते। प्रभु राम की नगरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। खास बात यह है कि निर्माणाधीन भव्य मंदिर के अलावा राम मंदिर के मॉडल ने भी कई लोगों को रोजगार दिया है। राम मंदिर के मॉडल की बिक्री अयोध्या ही नहीं पूरे देश में जमकर हो रही है, लिहाजा देश भर में बड़े व्यापारी इस काम से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर मॉडल की मांग इतनी बढ़ गई है कि इसकी आपूर्ति करना मुश्किल हो गया है। शहर के सहादतगंज में स्थित आदित्य फर्म राम मंदिर मॉडल का निर्माण करने में लगी है। मॉडल निर्माण कार्य में सभी धर्म के लोग काम कर रहे हैं। वहीं फर्म के प्रोप्राइटर आदित्य सिंह का कहना है कि देश के अलावा अमेरिका से भी इसके ऑर्डर आ रहे हैं। नहीं, हमें तो इच्छुक लोग चाहिए जो भी हम रोजगार दे रहे हैं। मेरा क्या है, मुझे तो सरकार की तरफ से पेंशन मिल ही रहा है, लेकिन हमने इस कार्य को इसलिए किया कि हम इसमें कई लोगों को रोजगार दे सकें। कई लोग इसमें जो है अपना घर का, अपना खुद का, अपना पालन पोषण कर पाए, तो ये रोजगार देने का एक हमने नया तरीका भी दिखा कि इससे हमारे राम मंदिर का भी निर्माण होगा मॉडल का और इसके बाद जो है लोगों को रोजगार मिले। और चलिए एक बार फिर से सीधे संवाददाता का रुख करेंगे घनश्याम का। घनश्याम, यदि बात करें पूर्व पक्षकार जो है बाबरी मस्जिद के जो वो है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जाहिर की उन्होंने कि कुछ मिलकर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया और उस बयान जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या राम मंदिर, क्या मस्जिद, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो आ गया, राम मंदिर भी भव्य बन गया है। अब हमारी एक इच्छा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या में आए तो हमसे मुलाकात करें। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं और उस मुलाकात करके हम तमाम बातें जो अपनी बातें हैं वो बातें प्रधानमंत्री के तौर पर मैं उनके सामने रखना चाहती हूँ। उनकी इच्छा थी कि उनको भी आमंत्रण पत्र दिया जाए और उस आमंत्रण पत्र के जरिए वो वहां पे मिले और प्रधानमंत्री से अपनी कई बातें हैं जो वो प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं, वो बातें वहां पे उनसे मिलने की इच्छा जताई। अब देखने वाली बात होगी कि उनको क्या ये ट्रस्ट उनको इनवाइट करता है, क्या आमंत्रण पत्र भेजता है, क्योंकि ट्रस्ट की भी एक ट्रस्ट ने पूरी तरीके से एक क्राइटेरिया तय किया है कि किन किन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करना है, कौन कौन से लोग शामिल होंगे और कितने लोग शामिल, जो लोग शामिल होंगे, यहाँ तक कि मैं कप्तान आपको बता दूं कि जो पत्रकार वहाँ पे कवरेज के लिए जा रहे हैं उनका भी बकायदा। बिल्कुल घनश्याम, आऊंगी आपके पास, घनश्याम लौटूंगी आपके पास। अश्विनी के पास एक बार रुक कर लेते हैं। अश्विनी, ननिहाल से भी जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी? श्री राम जी जी, और लोगों के लिए बढ़िया है जो है टेंट भी बनाया गया है, उसमें लोग अपना विश्राम कर रहे हैं और 22 जनवरी से जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। अश्विनी, झंडे की भी मांग बढ़ गई है जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और हनुमान जी का उसमें जो तस्वीर है उसकी भी मांग जो है काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, क्योंकि पूरा जो भारत है वो राममय होने वाला है।
ये बिल्कुल बाघ जनवरी को जो है पूरा अयोध्या जो है राम में हो जाएगा। इसको अगर बात करें झंडे की तो झंडे जो है पूरे अयोध्या में लहरा रहे हैं, लोग दुकानों पर इधर लगाए हुए हैं, उसकी बिक्री भी तेज हो गई क्योंकि देश विदेश के लोग आ रहे हैं। भगवा रंग का झंडा है और जय श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है उस पर। और उसके बाद बात करें राम मंदिर मॉडल की जो है 2000 राम मंदिर मॉडल जो है बनाए गए हैं जिसको अमेरिका से भी आर्डर आया हुआ है इसके लिए और अभी तक जो बाजार में बिक रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या अगरबत्ती की भी जिक्र हो रही है, अगरबत्ती की क्या कुछ विशेषताएं हैं? कहा जा रहा है कि 1.5 महीने तक जो अगरबत्ती है वो जलती रहेगी, कहाँ से वो बनकर आ रही है और क्या कुछ विशेषताएं हैं अगरबत्ती की? अश्विनी तो अगरबत्ती बन रही है, ये बाहर से आ रही है अगरबत्ती जो है जलेगी यहाँ पे गुजरात से जो है अगरबत्ती आ रही है उसको यहाँ पे जलाई जाएगी जो कि 2 महीने जलेगी और लगातार जो है इस पे बाहर के सामान मंगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, विशेष भोग की बात करें, विशेष भोग में क्या कुछ भोग लगाया जाएगा और ननिहाल से भी जो भक्त हैं श्री राम के ननिहाल से वो भी पहुंच रहे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी घनश्याम? बिल्कुल, सिर्फ ननिहाल से नहीं है, अगर बात करें तो जो राम भक्त है और अभी से अभी बहुत वक्त है, जबकि जो ट्रस्ट है वो लोगों से अपील कर रहा है कि 22 जनवरी तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा हो तब तक अयोध्या आने से बचे, लेकिन राम भक्त हैं कि मानने को तैयार नहीं है, उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रामनगरी में जाएं, रामनगरी के उस पावन स्थल को चूमे, उनको अपने जो है पूजा पाठ करें, उनकी इबादत करें, तो उनके अंदर एक जहनी तौर पर बना हुआ है कि जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसको लेकर के विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो भगवान राम का जो ससुराल जनक कहा जाए तो वहां से भी लोग आने आने लगे हैं, नेपाल में जो स्थित है वहां से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल लाया गया है, लाया जा रहा है, उसका वहां पे भोग लगेगा, वहां पे उस भोग को उस प्रसाद बनाया जाएगा, पूरे प्रसाद को पूरे लोगों में बांटा जाएगा और एक लंबे समय तक ये चलेगा। और अगर बात करें तो इसको लेकर के सरकार ने भी पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली है, उन्होंने हर जब तक 22 जनवरी तक हर जिले में हर जगह जो है भगवामय माहौल बनाने में लगी हुई है, इसको लेकर के रामायण की प्रतियां बांटी जा रही है। घनश्याम, जो रामलला के भक्त हैं वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि हर कोई चाहता है उस दिन का साक्षी बनना। तो आपका बहुत धन्यवाद घनश्याम तमाम जानकारी के लिए और अश्वनी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।